अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हमारी तैयारी है माश की दाल बनाने की, जो हम प्याज टमाटर के साथ बनाएंगे। और आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैंने 250 ग्राम्स या एक पाव माश की दाल ली, उसको थोड़ी देर एक डेढ़ घंटे के लिए सोक कर दिया था। फिर मैंने इसको कुकर में बॉईल करा है, तो इसलिए डेढ़ से दो ग्लास मैंने पानी डाले थे। और आप यूँ समझें, ये सोक होने के बाद एक डेढ़ इंच ऊपर था पानी इसके, और आधा चम्मच नमक डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया कुकर में, जब तक कि ये गल नहीं गई। तो और अगर आप पतीली में करें तो आप देख लीजिएगा कि जिस तरह का आपको जितना टाइम लगे आप उस पर, फिर आपको बस एक चेक रखना होता है। अच्छा, इसके बाद हमने ये करा है, ये हमने वॉक लिया है। वॉक में इसमें आप 1/4 कप ऑयल डाल दें। अब जो है, हम इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी और उसको बारीक चॉप कर लिया, और 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें उनको भी चॉप कर लिया। अब मैं इसमें वो डालूँगा। जी जनाब, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था, और फिर उसमें मैंने ये दो प्याज, जैसे आपको बताया था, मीडियम साइज़ की चॉप कर ली थी, उसमें 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें डाल के वो भी, अब देखिए मैंने इसको सौते कर लिया। आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट हो गई है। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स कि थोड़ा सा इसका कलर जो है एकदम वाइट से थोड़ा सॉफ्टनेस पे आ गई है। अच्छा, अब हमने इसमें ये करना है, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे हैं दो मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने, आप चाहें तो चॉप कर लीजिए, चाहें तो आप ग्रेटर में इसको ग्रेट कर लीजिए। अब इसमें मैं ये टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर डालिए, इसको अब हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और मुझे नहीं पता आप लोग को क्या पसंद आता है या नहीं, बस मैं ऐसी झटपट मेरी इंस्टेंट एकदम से आइडिया आता है, इसके पका रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, कि मेरी ऐसी इंस्टेंट वीडियो हो जाती है। कोई फॉर्मल तरीके से बनाई भी नहीं है कि जी मैं ये सारी लवाजमात करूँगी ये वो, तो इसलिए बहुत ही इनफॉर्मल सी वीडियो है, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल। और अब देखें, इसमें थोड़े टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, टमाटरों का पानी भी नज़र आ रहा होगा आपको। मैं साथ ही इसमें मसाला ऐड कर दूँगी, आपको मसाला दिखाती हूँ। मसाले में हमने लिया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक ले लीजिए, मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, अगर आप चाहें वो भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं, अगर स्पाइसी चाहिए तो 2 टीस्पून डाल लीजिए। एंड दिस इज़ 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। अच्छा, ये मैंने रखा है पिसा हुआ गरम मसाला, बट वी विल जस्ट एड इट बिल्कुल आखिर में जब रेडी हो जाएगी। तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च और हल्दी, हम क्योंकि बॉईल करते हुए ऐड कर चुके थे इसलिए हल्दी अभी नहीं डालेंगे, सिंपली नमक, लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा। एंड देन वी विल जस्ट भुनेंगे, इसको हम भुनेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि टमाटर का पानी ऑलरेडी इसमें है, तो इसलिए हमें अभी पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ज़रा सा इसमें टमाटर भुन जाएं, फिर हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें बॉइल्ड माश की दाल डालेंगे। यू कैन जस्ट फॉलो द सेम रेसिपी विद मूंग की दाल, चने की दाल और मसाला लग रहा है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस अब आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर का पानी अभी भी हमें नज़र आ रहा है इसमें, थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। झटपट अगर आपको कुकिंग करनी है और आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यू कैन ओमेक दिस, आप इसको ना इतना वो कहते हैं ना दिक्कत तलब बनाइए कि आप इसको भूनिए भूनिए भूनिए, आप सिंपली इसीलिए ही दाल जो आपकी बॉइल्ड है वो ऐड कर दें और टेस्ट लेने के 5 मिनट पकाएं, जब इसमें जोश आने लगे, क्योंकि दाल जो आपने बॉईल की होती है ना, उसमें तकरीबन पानी ना होने के बराबर है, तो इसलिए जब ये अच्छी तरह भून जाए फिर आप इसमें दाल ऐड कर दीजिए। मैं भी सोच रही हूँ कि बस अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँ, और फिर 5 मिनट्स में हम इसको आँच हल्की करके दम पे रख देंगे। और जब ये रेडी हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ऊपर से हम गार्निश करना चाहें तो आप पुदीने से कर लें, हरा धनिया और हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक,
और फिर जो मज़ा आएगा आपको, आप चाहे तंदूरी रोटी से खाइए, घर की चपाती से खाइए, जिससे दिल चाहे आप ऐसे खाइए, और मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी बनी। मसाला लग रहा है, बस अब मैं जो हूँ उसमें दाल डाल दूँगी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा, क्योंकि मसाला नाक में जा रहा था तो इसलिए थोड़ी सी स्नीजिंग हो गई, इसलिए मैंने जो है डिसकंटिन्यू किया था। अब मैंने इसमें बॉइल्ड माश की दाल डाल दी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेरी वेल। बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से हर काम आपका खैर वाला हो जाता है, और अपने हर काम को शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेते हैं। देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है अच्छी तरह पूरी दाल मिक्स हो गई है, ठीक है। ऑलरेडी ये जो है बॉईल हो रही है, तो बस अब मैं इसकी फ्लेम हल्की करके इसको 10 से 15 मिनट, या आप देख लीजिएगा जब तक इसका पानी पूरा खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक मैं इसको दम पे रखूँगी, ठीक है। टिल देन वेट। जी जनाब, हमारी ये दाल ऑलमोस्ट हो गई है, ऑलमोस्ट क्या बल्कि हो ही गई है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि तेल भी ऊपर आ गया है। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी जनाब, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने माश की दाल जो कि रेडी हो गई थी इसको डिश आउट कर लिया है। हरा धनिया और पुदीने से मैंने इसको गार्निश किया है, जूलियन कटी हुई अदरक भी इसके ऊपर छिड़की है। और वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैं गरम मसाला पिसा हुआ डालना भूल गई थी, तो मैंने इसके ऊपर वो भी स्प्रिंकल किया है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप जो है स्पाइस लेवल अपनी घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक का पेज है साइनस किचन इट के नाम से, डू विज़िट एंड लाइक इट, और यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।